हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी किसी दूसरी वीडियो का लिंक या फिर आप किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट का लिंक, इसके साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, इसी तरीके से आपका ट्विटर हैंडल हो गया, इस तरीके के लिंक आप किस तरीके से डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक और वीडियोस वगैरह का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना काफी जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे वहां से कनेक्ट हो सकती है, आपसे बात कर सकती है। और आपकी दूसरी वीडियोज का लिंक अगर आप वहां पर मेंशन करेंगे तो आपकी दूसरी वीडियोज को भी लोग वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपसे बताऊंगी कि आपको ये सारे लिंक्स अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से ऐड करने हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखिए अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी सारी वीडियोस यहाँ पर आपको शो होने लगती हैं। अब आप अपनी जिस भी वीडियो का लिंक देना चाहते हैं उस वीडियो पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी इस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ से कॉपी हो गया है। अब इसके बाद में आप अपनी इस वीडियो के लिंक को अपनी जिस भी दूसरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं आप बहुत ही आराम से दे सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर बैक चले जाएंगे। तो अब जैसे कि मान लीजिए मुझे अपनी ये YouTube चैनल वेरीफाई वाली वीडियो में इस वाली वीडियो के लिंक को देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस भी जगह पर लिंक को डालना चाहते हैं वहां पर आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी वीडियो का लिंक पेस्ट हो गया है। अब आपकी वीडियो का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर ऊपर डाल सकते हैं या फिर आप सिंपली यहाँ पर वीडियो लिंक इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी वीडियो के लिंक को अपने YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आपको किसी भी एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट के लिंक को कॉपी करके किस तरीके से अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाना है। अब दोस्तों, आपको जिस भी एप्लीकेशन का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना है वो ऐप आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में सीधा सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ कैनवा ऐप। मान लीजिए मुझे कैनवा एप्लीकेशन का लिंक अपनी किसी भी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर इस पर टैप करना है। आप जब पर टैप करेंगे आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेना है। तो यहाँ पर कैनवा एप्लीकेशन का जो लिंक है वो कॉपी हो गया है। अब आप इसको अपनी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए मुझे अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को पेस्ट करना है जो मैंने ये वीडियो बनाई है, शॉर्ट्स पर थंबनेल लगाना, क्योंकि ये थंबनेल से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर कैनवा एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जिस भी जगह आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आपको सीधा लॉन्ग प्रेस कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का लिंक पेस्ट हो गया है। अब जिस भी एप्लीकेशन का जो नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कैनवा ऐप। तो दोस्तों, आप इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन का लिंक अपने YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको किसी वेबसाइट के लिंक को अपने YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से देना है। अब दोस्तों, मान लीजिए मुझे बीजी रिमूव जो कि एक वेबसाइट है जिसे आप अपनी किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, उसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना है। तो आपको यहाँ पर गूगल क्रोम में सर्च कर लेना है बीजी रिमूव जो ये वेबसाइट है वो पहले तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर ये जो ऊपर दिख रही है ना वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होने लगता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये थ्री डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे के साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉपी लिंक, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पर कॉपी हो गया है। अब आप इस लिंक को अपनी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जो लिंक हमने यहाँ पर ये कॉपी किया है आपको इसको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने वहां पर एप्लीकेशन का लिंक पेस्ट किया था ना, सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट के लिंक को यहाँ पर कॉपी करके अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको सोशल मीडिया साइट्स के लिंक को अपनी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स
होते हैं उनके लिंक को अपनी YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कैसे डालना है, जिससे कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट हो सके। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर अपने Instagram अकाउंट के लिंक को कॉपी करके अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कैसे पेस्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आप सेम उसी तरीके से अपने Facebook पेज का भी कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर Google Chrome ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है Instagram। तो जब आप यहाँ पर Instagram सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है, जो Instagram की वेबसाइट है उस पे आपको यहाँ पर सीधा क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। मैं देखिए आपको सबसे आसान तरीका जो है वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो आपको देखिए यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये पेंसिल का आइकन देखने को मिल जाएगा, ये एडिट का ऑप्शन है, आपको इस पर सीधा टैप कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये जो यहाँ पर सर्च बार पे लिखा हुआ है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको इसको यहाँ पर थोड़ा सा हटा देना है, डिलीट कर देना है, यहाँ तक का जहां तक .com/ है ना वहां तक का आपको रखना है, बाकी सारा आपको डिलीट कर देना है। अब आपका जो यूजर आईडी है ना वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे कि मेरा जो यूजर आईडी नेम है वो है Neelu_Verma16, तो मैं उसको यहाँ पर डाल दूंगी। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर जो मेरा यूजर आईडी है Neelu_Verma16 वो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है, उसी तरीके से जो आपका यूजर आईडी है वो आपको वहां पर डाल देना है। अब जैसे कि मेरा जो नेम है ना Neelu_Verma16, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए यहाँ पर शो होने लगा है, आपको इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। अब जो यहाँ पर सर्च बार में लिंक आपको दिख रहा है वही आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उसको आपको यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब आप इसको अपनी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, जिससे कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सके। और इसके बाद में आपको यहाँ पर इसको सीधा सेव कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी वीडियो के लिंक को या फिर किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिंक को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम का बताया, सेम इसी तरीके से आप अपने फेसबुक पेज का लिंक भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।